पाकिस्तान ने एशिया कप दान कर दिया है, सर से वार के फेंक दिया है नसीम शाह और उर्वशी के। बैटिंग में इन्होंने जो हमारे आज के प्लेयर्स चल रहे हैं वो पता नहीं किन ख्यालों में गुम होते हैं, कोई सही खेल ही नहीं रहा होता, बैटिंग ही नहीं सही कर रहा होता। यार देखो एशिया कप में पहुंच के तुम लोग पीछे आ गए, हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। सेकंड ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, उसका शादाब के कान उसे खून बह रहा था बट वो खेलने गया। उसके बाद उसको आसिफ को टांगे लगे हुए थे हाथों पर लेकिन फिर भी खेलने गया। लेकिन शादाब खान ने इतनी मिस फील्ड की थी, जो मिस फील्डिंग दो कैचेस जो छोड़े हैं एक लास्ट वाला, और वो और हसनैन को जो रन पड़े हैं उनकी वजह से बैटिंग लाइन खराब हुई। शहजाब है उसने जानबूझ के तीन कैच छुड़वाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रिज़वान और आप देख रहे हो जानी पाकिस्तान। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच था, बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान इस पर हार गया। तो आवाम से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि असल वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं? अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं हूँ लेकिन फिर भी आई एम प्रिटेंडिंग कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा प्यारा सा नाम भी होगा। आमना आदिल। अच्छा आमना मुझे बताइए कि ये कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था और पाकिस्तान एशिया कप यहाँ पकड़ के गिरा दिया। पाकिस्तान ने एशिया कप दान कर दिया है, सर से वार के फेंक दिया है नसीम शाह और उर्वशी के। मैं हैरान हूँ कि मतलब ऐसा मैच जो हम लोग मतलब लाइक 100% हमें लगा था कि बस एशिया कप की ट्रॉफी जो है वो घर आ गई है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि आपने देख ही लिया कल का मैच। बिल्कुल। अच्छा क्या लगता है कहाँ पे पॉइंट वीक था जिस वजह से पाकिस्तान मैच हारा? अच्छा वैसे पाकिस्तान की ओवरऑल जो है एशिया कप में परफॉर्मेंस अच्छी रही और अच्छी लक थी उनकी कि वो इंडिया को भी उन लोगों ने हरा दिया। मैं तो कल मीम्स पढ़ पढ़ के हैरान हो रही थी कि अफगानिस्तान और इंडिया इतनी फारिग टीम्स है कि हमसे हार गई। तो कल का जो मैच था आउट पे आउट तो ऐसे ही उन्होंने किया ना जैसे सवाब का काम होता है, जैसे हमारी पाकिस्तानी अदालतें जो है वो तारीख पे तारीख देती आउट पे आउट कर रहे थे। तेरा सा नाम? मरियम। अच्छा मरियम मुझे बताइए कि ये कि पाकिस्तान का और श्रीलंका का फाइनल एशिया कप था तो बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान हार चुका है, तो क्या वजह लगती है? देखो हार जीत तो हर जगह होती है, उन्होंने इतना खुश तो हमें किया ना, मैच जीते भी तो हैं हमने। फर्स्टली हमारा इंडिया के साथ था तो गिला नहीं होना चाहिए हमें टीम से क्योंकि इंडिया के साथ तो जीत गया। सेकेंडली कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, उसका शादाब के कान उसे खून बह रहा था बट वो खेलने गया। उसके बाद उसको आसिफ को टांगे लगे हुए थे हाथों पे लेकिन फिर भी खेलने गया। हम एक साइड पे देख रहे, दोनों साइड नहीं देख रहे, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने स्ट्रगल कितनी भी की उन्हें सपोर्ट करना चाहिए हमें। हरा सा नाम होगा? हानिया। हानिया हानिया मुझे बताइए ये कि पाकिस्तान और श्रीलंका का एशिया कप था लेकिन पाकिस्तान हार चुका है, क्या यार इस हारे अफसोस है? पाकिस्तान को नहीं हारना चाहिए था, एशिया कप पे पहुंच गए पाकिस्तान हार गया, ये कहाँ की पाकिस्तान के लिए बहादुरी है? ये तो बहुत बुरी बात है यार, पाकिस्तान क्यों हारा? पाकिस्तान को नहीं हारना चाहिए था, पाकिस्तान को विन करना चाहिए था। पाकिस्तान इतनी अच्छी टीम है और पाकिस्तान ऐसे हार गया तो बहुत अफसोस हुआ। बिल क्या लगता है कि कौन सी साइड वीक थी, क्या बॉलिंग वीक थी या बैटिंग? दोनों, बॉलिंग भी इन्होंने ठीक नहीं की और बैटिंग भी इन्होंने ठीक नहीं की। बैटिंग जो है ना वो इन्होंने डबल ठीक नहीं की क्योंकि बैटिंग अगर ये सही करते तो ये लोग जीतते। बैटिंग में इन्होंने जो हमारे आज के प्लेयर्स चल रहे हैं वो पता नहीं किन ख्यालों में गुम होते हैं, कोई सही खेल ही नहीं रहा होता, बैटिंग ही नहीं सही कर रहा होता। यार देखो एशिया कप में पहुंच के तुम लोग पीछे आ गए, हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। और सबकी इतनी उम्मीदें थी कि पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान आगे जाएगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यार। लास्ट में मैसेज यही है कि यार इस दफ़ा देखो अगर पाकिस्तान नहीं जीता तो अगले साल इंशाल्लाह जीत जाएगा, इस दफ़ा फाइनल में जाके हम वापस आ गए तो अगले साल हम इंशाल्लाह विन कर लेंगे। हर बार ऐसे ही कहते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाल्लाह में भी बदल जाएगी, एक दिन ऐसा भी आएगा इंशाल्लाह। लाहौर की कुछ फ्रेंड बहनें जो कुछ भी हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं, मौजूद है मेरे साथ, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताओ फ्रेंड्स हैं या सिस्टर? फ्रेंड्स हैं। अच्छा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की तरह सिस्टर्स। फ्रेंड्स की तरह सिस्टर वो भी होती हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए कि ये पाकिस्तान का और श्रीलंका का मैच था तो बदकिस्मती के साथ आपने हरवा दिया। बुरी तरह हार गए हम, लेकिन हमने नहीं शहजाद खान ने हराया। लेकिन जिन्हें कभी हो जाता है मिस है भी होते रहते, अगर कोई जीतता है तो भी। क्या लगता है कि कौन सा पॉइंट था जिस वजह से पाकिस्तान मैच हारा? उनकी बॉलिंग भी जीरो थी और बैटिंग भी जीरो। नहीं बॉलिंग साइड तो देखी जाए ना
183 तक आपने चेज किया है, तो बैटिंग शायद ज़्यादा भी, लेकिन शादाब खान ने इतनी मिस फील्ड की थी, जो मिस फील्डिंग दो कैचेस जो छोड़े हैं, एक लास्ट वाला, और वो और हसनैन को जो रन्स पड़े हैं उनकी वजह से बैटिंग लाइन ख़राब हुई, और उसके बाद बैट्समैन ने भी कोई काम नहीं किया। बाबर आजम को तो पता नहीं क्या हो गया है, जिसकी वजह से हमारी बैकबोन ही वो है, और फिर हम इस तरह जीत कैसे सकते थे। ज़ाहिर शादाब ने तो जो दो कैच छोड़े हैं ना, उसकी वजह से सारा कुछ। पर खैर, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ये इस बात से नहीं काम चलेगा, मजबूरन कहना पड़ा, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। इन्हें जब इंडिया से जीत गए तो लगता था कि ट्रॉफी पाकिस्तान की ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया पे ही ज़्यादा नज़रें थी सबकी, एशिया में यही दो टॉप टीम्स हैं, लेकिन यही दोनों, इंडिया तो चले पहले दफ़ा हो गया, पाकिस्तान भी गया। हाँ चले, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया से तो जीत गए हम, एशिया कप जीत गए। इंडिया से जीत गए तो एशिया कप जीत गए, फाइनल ही वो था। ठीक, ये भी कंप्लेन नहीं कर सकते इंडिया के, आप पाकिस्तानी को कहने लग जाएंगे माई टीम नहीं अच्छी, तो इंडिया को भी तो हराया था ना, फिर अफगानिस्तान को भी हराया, तब तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की। ठीक है, द थिंग इज़ कि उन्होंने जो कह सकते हैं आपके मिस कैच किए हैं, कैच मिस किए, फिर उसके बाद आपकी जो फील्डिंग थी, ऑब्वियसली श्रीलंका की बॉलिंग इज़ नो डाउट बहुत अच्छी थी। ठीक है, उन्होंने भी अपनी पाकिस्तानियों की टीम प्लेयर्स ने भी बड़ी अच्छी की, अब वो उस पॉइंट पे पहुंच चुके थे जहां हमारी विकेटें गिननी स्टार्ट हुई, वो उस पॉइंट पे थे कि या तो छक्का मारो या फिर आउट हो जाओ, तो यही था। अच्छा, बाबर आजम वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म। मैं तो खुद परेशान हूँ कि बाबर आजम को हुआ क्या है, क्यों पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, ही इज़ द किंग, इवन देन तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लाज शर्म अच्छा, होती है। कि एक वीडियो वायरल हो रही थी जब स्टेडियम के बाहर के, जब आपने मैच देखा हारे तो रोने वाली इमोशनल फीलिंग थी। आपको अभी तक नहीं लग रहा कि मैं अभी तक स्टिल गुस्से में हूँ? मतलब लाइक मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा है कि मेरे हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी आई एम प्रिटेंडिंग टू बी, आई एम ओके, कि मतलब लाइक सीरियसली आई वॉज लिटरली क्राइंग। मुझे लगा था कि मैं तो आज भाई, मतलब इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम इन माई होल लाइफ कि मैं अपने घर वालों से परमिशन लेके जो है रिकॉर्डिंग के बहाने मैं मैच देखने गई, और वो मैच पाकिस्तान हार गया। लाइक सीरियसली पाकिस्तानी टीम, और मतलब आप खुद सोचो कि जिस बात क्या होंगे, घर वालों से इतनी मुश्किल से परमिशन ले, और फिर रिकॉर्डिंग पूरी टीम को मैनेज करके लेकर जाए कि भाई मैंने मैच देख रहा है, मुझे कवरेज करने दो। तो फिर वहाँ जाके, फिर वहाँ जब आप लोग पहुँच गए हो, अच्छा फिर जैसे ही मैं स्टेडियम बैठी हुई, अच्छा स्टार्ट पे इट वॉज़ गुड, मतलब लाइक ओपनिंग बैट्समैन आए हैं बाबर आजम और रिजवान आए हैं, उन लोगों ने मतलब लाइक स्टार्ट में इट वॉज़ ओके, लेकिन फिर उसके बाद आउट पे आउट इस तरह से हुआ है, मतलब लिटरली विद इन द मैच में 4 से 5 दफ़ा मेरी आंखों में आंसू आए हैं, और फिर मतलब एक सिक्सर हो जाता था, एक चौका बच जाता था, तो मैं फिर भी मेरे सांस आता था, और बट लाइक इट वॉज सीरियसली वेरी बैड, मतलब बॉलिंग फिर भी ठीक थी, लेकिन 171 का टारगेट था यार, इट वॉज़ वेरी बिग टारगेट उनको यहाँ तो पहुँच रही, कैच ड्रॉप किया उन्होंने, इतने ईजी कैच ड्रॉप किए हैं, तो मुझे तो पाकिस्तानी आमना देखो बैटिंग साइड जो थी वो ज़्यादा वीक थी मेरे ख्याल से, क्योंकि 183 तक आप ऑब्वियसली, मैंने आपको यही बताया ना कि बैटिंग साइड इसीलिए तो आउट पे आउट हो रहे हैं, मैंने आपको 4 से 5 दफा यही कहा है कि आउट पे आउट इस तरह से हुए हैं ना, तो इसी वजह से हुई कि बैटिंग साइड बहुत ज़्यादा वीक थी, बॉलिंग साइड वॉज मतलब लाइक एक्सेप्टेबल, हमें था कि चलो यार बाबर अगर फॉर्म दिखा देंगे ना तो ये हम लोग मैच जीत जाएंगे आसानी से, टारगेट इजीली कवर हो जाएगा। मैं लोगों से भी इंटरेक्ट कर रही थी ड्यूरिंग द मैच, तो वो यही कह रहे थे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलिंग हमारी फिर भी ठीक थी, लेकिन बैट्समैन मतलब लग हम बैटिंग करेंगे तो इट विल बी ओके, लेकिन जी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। लास्ट पे मैसेज, ओवर कॉन्फिडेंट ना हुआ करो, अल्लाह दनाए, अब इंग्लैंड पाकिस्तान होने वाला है, प्लीज़ हमें दोबारा, अब हम नहीं रो सकते, आहिस्ता आहिस्ता ना ये गाना बजना बंद हो जाएगा, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, सीरियसली अभी तक है ना, अभी तक तो है अभी